हेलो लर्नर्स वेलकम टू चल तो फाइनली मार्केटिंग एनालिसिस का प्रीवियस ईयर का एम हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे तो so, ये पिक्चर क्वालिटी थोड़ी की पुअर है तो आप जो है वीडियो को 720 पिक्सल पे कर लेंगे तो आपको विजिबल हो जाएगा क्वेश्चन तो so, पहला क्वेश्चन है डिमांड फॉर ए कॉमोडिटी रिफर्स टू तो डिमांड फॉर ए कॉमोडिटिटी किस चीज को रिफर करता है पहले भी हमने इसको डिस्कस किया है नीड फॉर कॉमोडिटी डिजायर फॉर कॉमोडिटिटी अमाउंट ऑफ द कॉम्योडिटी डिमांडेड एट ए पर्टिकुलर प्राइस एंड एट ए पर्टिकुलर लाइन या फिर ऑप्शन डी क्वांटिटी डिमांडेड फॉर दैट कॉमोडिटी तो यहाँ पर जो कैड ऑप्शन है ऑप्शन सी अमाउंट ऑफ द कॉमोडिटी डिमांडेड एट ए पर्टिकुलर प्राइस एंड एट ए पर्टिकुलर टाइम डिमांड फॉर कम्युनिटी को रिफर करता है क्वेश्चन नंबर टू का विच अमाज विच अमाउंट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट तो चार आपको ऑप्शन दिए गए थे आपको बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है यानी कि करेक्ट नहीं है सही नहीं है तो यहां पर जो क्वेश्चन नंबर टू में है ऑप्शन बी इफ टू डिमांड करव आर लेनियर एंड इंटरेस्ट इंटरसेक्टिंग ईच अदर देन कॉफिशियंट ऑफ इलास्टिसिटी वुड बी सेम ऑन डिफरेंट डिमांड कर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये जो है पॉइंट ये ऑप्शन जो है गलत था बाकी ऑप्शन ए ऑप्शन सी एंड ऑप्शन

तो क्वल हो तो कैसे इंक्रीज हो गया ऑप्शन ए लेफ्ट वॉट शिफ्ट ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई प्राइस अनचेंज ऑप्शन बी ए डिक्रीज इन सप्लाई ऑप्शन सी एन इंक्रीज़ इन प्राइस या फिर ऑप्शन डी एन इंक्रीज इन सप्लाई तो यहां पर जो गेट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी एन इंक्रीज इन सप्लाई तो अगर कंज्यूमर का सरप्लस जो है वो बाकी सारी चीज़ें इक्वल रहेंगी तो कंज्यूमर का सरप्लस इंक्रीज करेगा अगर सप्लाई जो है वो इंक्रीज करेगा तो नेक्स्ट है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फाइव कंज्यूमर सरप्लस इज तो कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है ऑप्शन ए द एरिया अबब द मार्केट प्राइस बट बिलो द डिमांड कर ऑप्शन बी ए मेजर ऑफ द नेट वेलफेयर बाइंग ए पर्टिकुलर गुड गिफ्ट कंज्यूमर या फिर ऑप्शन सी द डिफरेंस बिटवीन द डॉलर अमाउंट पीपल वुड विलिंग टू पे फॉर स्पेसिफिक क्वांटिटीज ऑफ गुड्स एंड द अमाउंट दे पे एट मार्केट प्राइस या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबब तो यहाँ जो कट ऑप्शन था कंज्यूमर सरप्लस इज तो यहाँ पे कट ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द दब एरिया एबव द मार्केट प्राइस बट बिलो द डिमांड कर ए मेजर ऑफ द नेट वेलफेयर बाइंग ए पर्टिकुलर गुड गिफ्ट टू कंज्यूमर्स या फिर ऑप्शन सी ये तीनों के तीनों ही ऑप्शन क्या है कंज्यूमर सर्प्रेस के एग्जाम्पल थे क्वेश्चन नंबर सिक्स ए डैश इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ ए गुड एंड द क्वांटिटी ऑफ दैट गुड कंज्यूमर्स आर विलिंग टू पे एट सर्टेन प्राइस एट ए पॉइंट इन टाइम तो आपको बताना है कि वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कौन सा होगा ऑप्शन ए प्राइस स्किमिंग कर प्राइस बंडलिंग कर लीनियर डिमांड कर या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द वे तो यहां पे जो कट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी लीनियर डिमांड करब उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को जो कि रिलेशनशिप को शो करता है प्राइस ऑफ गुड एंड द क्वांटिटी ऑफ दैट गुड कंज्यूमर्स आर विलिंग टू पे एट सर्टेन प्राइस एट ए पॉइंट ऑन टाइम उसको क्या कहते हैं लेनियर डिमांड कर ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन द ऑप्टिमल डैश पॉइंट इज द पॉइंट वेयर कंपनीज कैन बेस्ट मीट देयर ऑब्जेक्टिव वेदर दैट मीन्स इंक्रीज प्रॉफिट मार्जिन कस्टमर ग्रोथ और ए ब्लेंड तो आपको वो ऑप्टिमल पॉइंट बताना है कौन सा पॉइंट होगा प्राइस ऑप्टिमल प्राइस पॉइंट ऑप्टिमल डिमांड पॉइंट ऑप्टिमल कॉस्ट पॉइंट या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द तो यहां पे जो कैट ऑप्शन है दैट इज ऑप्टिमल प्राइस पॉइंट द ऑप्टिमल प्राइस पॉइंट इज द पॉइंट वेयर कंपनीज कैन बेस्ट मेथ देयर ऑब्जेक्टिव वेदर दैट मीस इंक्रीज प्रॉफिट मार्जिन कस्टमर ग्रोथ और ब्लेंड तो ऑप्टिमल प्राइस पॉइंट पे होता है क्वेश्चन नंबर एट है ये न्यूमेरिकल था एट प्रेजेंट आउट लेवल आउटपुट लेवल इफ फर्म इज परफेक्टली कंपिटेटिव इंडस्ट्री इज इन द फॉलोइंग पोजीशन आउटपुट हंड्रेड यूनिट्स मार्केट प्राइस थ्री डॉलर टोटल कॉस्ट सिक्स थाउजेंड डॉलर फिक्सड कॉस्ट टू थाउजेंड डॉलर मार्जिनल कॉस्ट थ्री डॉलर टू अचीव ऑप्टिमम आउटपुट द फर्म शुड तो ऑप्टिमम आउटपुट अचीव करने के लिए फर्म को क्या करना चाहिए था ऑप्शन ए रिड्यूस आउटपुट बट की प्रोड्यूसिंग ऑप्शन बी इंक्रीज सेलिंग प्राइस ऑप्शन ऑप्शन सी लीव आउट या फिर डी आउटपुट टू जीरो तो पे जो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर में था वो करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन डी रिड्यूस आउटपुट टू जीरो आउटपुट को जीरो पर रिड्यूस कर दीजिए क्वेश्चन नंबर ए डैश इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ गुड एंड द क्वांटिटी ऑफ दैट गुड कंज्यूमर्स आर विलिंग टू पे एट ए सर्टेन प्राइस एट ए Point. तो आप यहां पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स और क्वेश्चन नंबर नाइन ये दोनों क्या है सेम है तो यहां हो जाएगा लेनियर डिमांड कर्व क्वेश्चन नंबर टेन है एफ फम इज यूजिंग डैश व्हेन इट चार्जेस ए हाई प्रीमियम प्राइस फॉर अ न्यू प्रोडक्ट विद द इंटेंशन ऑफ रिड्यूसिंग द प्राइस इन द फ्यूचर आपने पढ़ा होगा प्राइस स्किमिंग प्राइस प्रिंटेशन तो यहाँ पे क्या है फम इज यूजिंग डैश वैन इट चार्जेस हाई प्रीमियम प्राइस फॉर अ न्यू प्रोडक्ट कोई नया प्रोडक्ट है तो शुरुआत में ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहा है बाद में फिर धीरे धीरे वो प्राइस को रिड्यूस कर देता था क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर टेन में ऑप्शन ए प्राइस स्किमिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज ए प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटी बाई विच फर्म चार्जेज द हाइस्ट इनिशियल प्राइस दैट कस्टमर विल पे एंड देन लोअर इट ओवर टाइम तो सेम चीज़ है कि इनिशियली क्या है वो हाइएस्ट प्राइस को चार्ज करता है उसके बाद फिर लोअर कर देता है तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन सी प्राइस स्कीमिंग यहां पे क्या हो जाएगा ऑप्शन सी प्राइस स्कीमिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व दिस इज द दमूला टू एस्टिमेट डी इज इक्वल टू ए पी टू द पावर बी वै डी यूनिट ऑफ प्रोडक्ट डिमांडेड बाई कस्टमर पी इज द पर यूनिट प्राइस एंड ए एंड बी आर द एडजस्ट कर टू फिट प्रोडक्ट प्राइस इलास्टिसिटी और बी इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी तो यहां पे ओवरऑल से पूछा गया कि, कि किस चीज का फॉर्मला डी इज इक्वल टू ए पी टू द पावर बी तो ऑप्शन ए लीनियर डिमांड कर नॉन लीनियर डिमांड कर पावर डिमांड कर या फिर एक्सपोनेंशियल डिमांड कर तो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में जो कट ऑप्शन था इज ऑप्शन सी पावर डिमांड कर ये फॉर्मुला होता है पावर डिमांड कर डी इज इक्वल टू ए पी टू दावर बी क्वेश्चन नंबर थर्टीन इन डैश शेड्यूल द लार्ज बंडल जनरली सेल्स फॉर ए हायर टोटल प्राइस बट ए लोअर पर यूनिट प्राइस देन ए स्मॉलर बंडल तो आपको बताना है कि नीचे दिए ऑप्शन में से कौन सा है वो प्राइसिंग है जो कि लार्ज बंडल जनरली सेल्स करता है एट ए हायर टोटल प्राइस बट लोअर पर यूनिट प्राइस देन ए स्मॉलर बंडल तो यहां पे कैट ऑप्शन होगा ऑप्शन भी नॉन लीनियर प्राइसिंग कहते हैं इसको तो इन नॉन लीनियर प्राइसिंग शेड्यूल द लार्ज बंडल जनरली सेल्स फॉर ए हायर टोटल प्राइस बट ए लोअर पर यूनिट प्राइस देन ए स्मॉलर बंडल तो ये क्वेश्चन नंबर थर्टीन में ऑप्शन बी नॉन लीडर प्राइसिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन फोर्टीन द डैश ऑफ ए प्रोडक्ट इज सिंपली द वैल्यू ऑफ ए कंज्यूमर अटैच टू एन अवेलेबल प्रोडक्ट माइनस द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट आपको यहां पे बताना है कि उसको क्या कहते हैं क्या है यहां पे? वैल्यू ए कंज्यूमर अटैच टू एन अवेलेबल प्रोडक्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट तो वो क्या होगा प्राइस बंडलिंग कंज्यूमर डेफिसिट कंज्यूमर सरप्लस या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द एब तो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में यहाँ पे करेट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन डी नन ऑफ द आंसर होना चाहिए था दैट इज कस्टमर वैल्यू प्राइसिंग लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं था तो इसलिए यहाँ पे डी नन ऑफ द एब हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे होगा तो ये कस्टमर वैल्यू प्राइसिंग का फॉर्मला होता है एक्चुअली में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्वेश्चन फिफ्टी है डेस इज वैन कस्टमर आर ऑफर टू परचेज ए बंडल और सेपरेट प्रोडक्ट ऑन देयर ऑन तो कौन से केस में सेमी बंडलिंग प्योर बंडलिंग मिक्स बंडलिंग या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द दब किस केस में जो है कस्टमर ऑफर्ड कस्टमर को ऑफर किया जाता है कि वो बंडल परचेज करें या फिर सेपरेट प्रोडक्ट परचेज करें तो क्वेश्चन टू पर सेलर ऑनली ऑफर द कस्टमर ए चॉइस बिटवीन परचेजिंग ऑल प्रोडक्ट और नथिंग द सिचुएशन इज कॉल्ड डेस बंडलिंग यानी कि, कि यहां पर हो रहा है कि कस्टमर को यह चॉइस मिल रहा है कि या तो वो सारा प्रोडक्ट इकट्ठा करें इकट्ठा परचेज करे, करे या फिर कोई भी नाचे बिटवीन परचेजिंग ऑल प्रोडक्ट और नथिंग या तो सारा खरीदो या तो मत खरीदो तो इस केस में इसको कौन सी बंडलिंग कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री प्योर मिक्स या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द वेब तो इस केस में हम इसको कहते हैं ऑप्शन बी प्योर बंडलिंग क्या कहेंगे इसको प्योर बंडलिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवनटीन इफ द सेलर ओनली ऑफर्स द कस्टमर ए चॉइस बिटवीन परचेजिंग ऑल प्रोडक्ट और नथिंग द सिचुएशन इज कॉल थी सेम क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है तो यहाँ पे भी आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी प्योर क्वेश्चन नंबर एटीन द एपल आईफोन इज ए डैश फॉर सैमसंग फोन तो एप्पल आईफोन सैमसंग फोन के लिए क्या है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है सब्सिट्यूट प्रोडक्ट है बोथ ऑब ऑफ दैब यानी और सब्सिट्यूट दोनों है या फिर नन ऑफ द तो क्वेश्चन नंबर एटीन में क्या हो जाएगा सब्सिट्यूट प्रोडक्ट ऑप्शन बी इज द गेट ऑप्शन तो एप्पल

सैमसंग फोन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है इफ ए चेंज इन द प्राइस ऑफ ए गुड कॉज इज नो चेंज इन टोटल रेवेन्यू तो क्या होगा अगर चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स कॉज नो चेंज इन टोटल रेवेन्यू प्राइस में चेंज होने की वजह से रेवेन्यू में कोई चेंज नहीं हुआ तो क्या होगा ऑप्शन ए द डिमांड फॉर द गुड मस्ट बी इलास्टिक द डिमांड फॉर द गुड मस्ट बी इन इलास्टिक द डिमांड फॉर द गुड मस्ट बी यूनिट इलास्टिक या फिर बायर मस्ट नॉट रिस्पॉन्ड वेरी मच टू ए चेंज इन प्राइस तो यहाँ पे कट ऑप्शन हो जाएगा द डिमांड फॉर द गुड मस्ट बी यूनिट इलास्टिक ऑप्शन सी इज दी कट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी डिमांड इज परफेक्टली इन इलास्टिक वैन तो डिमांड जो है परफेक्ट इन इलास्टिक कब होगा ऑप्शन ए शिफ्ट इन द सप्लाई कर रिजल्ट इन नो चेंज प्राइस ऑप्शन बी द गुड इन क्वेश्चन हैज परफेक्ट ऑप्शन सी शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर रिजल्ट इन नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या फिर ऑप्शन डी शिफ्ट ऑफ द सप्लाई स रिजल्ट इन नो चेंज इन द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए शिफ्ट इन द सप्लाई कर रिजल्ट इन नो चेंज इन प्राइस तो ये जो है कट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन में, में पूछा गया कि गुड्स एंड सर्विसेज दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग कॉमनली अवेलेबल रिसोर्सेज दैट कुड बी एलोकेटेड टू ए वाइड वैरायटी ऑफ अल्टरनेटिव टास्क हैव ए सप्लाई दैट इज इलास्टिक इन इलास्टिक यूनिटास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में था दैट इज ऑप्शन ए इलास्टिक गुड्स एंड सर्विस दैट कैन भी प्रोड्यूस बाई यूजिंग कॉमनली अवेलेबल रिसोर्सेज यानी कि ऐसा गुड्स और सर्विस जिसको हम कॉमनली अवेलेबल जो जनरली अवेलेबल होता है रिसोर्सेज उसके थ्रो हम प्रोड्यूस कर सकते थे तो उसको दैट कुड भी लोकेटेडेडेडेडेड वाइड वरायटी ऑफ अल्टरनेटिव टास्क उस गुड्स उस रिसोर्सेस को हम अल्टरनेटिव टास्क में भी जो है लगा सकते हैं तो उसके जो सप्लाई होगा वो क्या होगा तो बट ऑबी सी बात है वो क्या होगा इलास्टिक होगा क्योंकि उस रिसोर्सेस हम कई सारी चीजें प्रोड्यूस कर सकते हैं तो थोड़ा सा भी कहीं डिमांड बढ़ा तो उसकी प्राइस चेंज होगी तो उसका डिमांड भी चेंज होगा तो इलास्टिक होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू ए मार्केट कवरेज स्ट्रेटजी इन विच ए फ्रम डिसाइड्स टू इग्नोर मार्केट सेगमेंट डिफ्रेंसेज एंड गो आफ्टर द होल मार्केट विथ एन वन ऑफर इज कॉल्ड तो पर क्या है कि मार्केट कवरेज स्ट्रेटी जहां पे डिफरेंटन नहीं हो रहा है मार्केट सेगमेंट यहां पे मार्केट को सेगमेंट नहीं कर रहे हैं बल्कि सारे मार्केट को एज अ सिंगल मार्केट लेकर हम एक ऑफर के साथ चलेंगे तो उसको क्या कहेंगे अनडिफ्रेंशियटेड डिफरेंशिएट कंसेंट्रेटेड या फिर ऑप्शन डी टर्बो मार्केट बट अभी ट्वेंटी टू में क्या है अनडिफ्रेंशिएटेड हम डिफरेंशिएट करें नहीं हम सेगमेंट नहीं कर रहे तो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री डिसाइडिंग टू टारगेट सिल्वर सेवरल मार्केट सेगमेंट एंड डिजाइन सेपरेट ऑफर फॉर ईच इज कॉल्ड तो यहां पे देखिए सेम अपोजिट है उसका ट्वेंटी टू का यहां पे सेवरल मार्केट सेगमेंट को हम टारगेट कर रहे हैं और सेपरेट ऑफर जो है डिसाइन कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन बी डिफ्रेंशिएटेड मार्केटिंग हो जाएगा यहां पे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम अलग मार्केट के लिए अलग प्रोग्राम नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर डैस फैक्टर आर द मोस्ट पॉपुलर बेसिस फॉर सेगमेंटिंग कस्टमर ग्रुप तो कस्टमर ग्रुप को सेगमेंट करने के लिए कौन सा जो है मोस्ट पॉपुलर बेस है जियोग्राफिक डेमोग्राफिक साइकोग्राफिक या फिर ऑप्शन डी बिहेवियल यहां पे जो मोस्ट पॉपुलर फैक्टर होता है जिसके बेसिस पे हम सेगमेंटेशन नॉर्मली करते हैं दैट इज ऑप्शन बी डेमोग्राफिक के बेसिस पे करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव है प्रॉक्टर एंड गैम्बल ज्वाइन ए ग्रोइंग लिस्ट ऑफ मार्केटर्स हु यूज डैश सेगमेंटेशन वैन दे डेवलप सीक्रेट ए ब्रांड फॉर्मुलेटेड फॉर ए वुमेंस केमिस्ट्री तो वुमेंस केमिस्ट्री के लिए जो एक ब्रांड स्पेशली फॉर्मुलेट किया गया वुमेंस केमिस्ट्री के लिए तो उसके लिए कौन सा सेगमेंटेशन यूज किया जाएगा जियोग्राफिक इनकम बेनिफिट ऑफ ए जेंडर तो देखिए वोमेन केमिस्ट्री वुमेंस के बेसिस किया जा रहा है तो यहां पर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी जेंडर तो क्वेश्चन ट्वेंटी में ऑप्शन डी जेंडर नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिसिंग डेवलपमेंट इन मल्टीवेरिएबल सेगमेंटेशन इज कॉल्ड डैस वेर ए होस्ट ऑफ डेमोग्रेफिक एंड सोशियो इकोमिक फैक्टर आर यूज तो आपको बताना है कि वो कौन सा टाइप का सेगमेंटेशन है जहां पर डेमोग्राफिक और सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर दोनों ही यूज होता है टेराग्राफिक सेगमेंटेशन फर्माग्राफिक सेगमेंटेशन जियो थर्मल सेगमेंटेशन फिर जियो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स में करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी जियो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन वो ऐसा सेगमेंटेशन है जहां पे होस्ट ऑफ डेमोग्राफिक एंड सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर दोनों ही यूज किया जाता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन है डैश आर यूज इन दी पोजिशनिंग प्रोसेस टू इलस्ट्रेट डिफरिंग एट्रीब्यूट ऑफ ए सिलेक्शन ऑफ ब्रांड तो आपको नीचे दिए ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा है जो कि यूज किया जाता है पोजिशनिंग प्रोसेस टू इलिस्टेट डिफरिंग एट्रीब्यूट्स ऑफ ए सिलेक्शन ऑफ ए ब्रांड यानी कि जब किसी ब्रांड को सिलेक्ट करने जाते हो तो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को शो करने के लिए पोजिशन करने के लिए उसको यूज़ करते हैं तो प्रोडक्ट फीचर एस आई सी कोड परसेप्चुअल मैप या फिर ऑर्गेनाइजेशनल करेक्ट्रिस्टीस तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन में ऑप्शन सी परसेप्चुअल मैप करेक्ट ऑप्शन परसेप्चुअल मैप आर यूज इन दी पोजिशनिंग प्रोसेस टू इलिस्टेट डिफरिंग एट्रीब्यूट्स ऑफ ए सिलेक्शन ऑफ ब्रांड यानी कि जब कोई कस्टमर आपके यहाँ पे कोई ब्रांड सिलेक्शन करने आता है तो उसको अपने प्रोडक्ट के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को शो करने के लिए आप क्या करते हो परसेप्टुअल मैप्स पर का यूज़ करते हो क्वेश्चन नंबर 28 है एक के बेनिफिट टू द एसटीपी प्रोसेस सेगमेंटेशन टारगेटिंग पोजीशनिंग एसटीपी तो उसका बेनिफिट क्या होता है तो यहाँ पे सीधे ऑप्शन पे चलते हैं दैट इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन बेनिफिट को शो करते हैं एसटीपी का यानी सेगमेंटेशन टारगेटिंग पोजीशनिंग का क्वेश्चन नंबर 29 है question 29 that is the purpose of evaluating the attractiveness of the different market segment identified in the second stage of the market segmentation process is to to सेकेंड स्टेज में जो हम मार्केट uh, सेगमेंटेशन करते हैं तो उसमें जो पर्पज ऑफ इवाल्यूएटिंग होता है उसका क्या होता है ऑप्शन ए आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक मेंबर ऑफ ईच सेगमेंट टू बी एबल टू कॉन्टैक्ट ईच ऑफ दम डायरेक्टली ऑप्शन बी डिटरमाइन द लेवल ऑफ रिसोर्सेज दैट मस्ट बी कमिटेड टू ईच सेगमेंट ऑप्शन सी इवालुएट द मार्केट पोटेंशियल विद इन द ईच सेगमेंट या फिर ऑप्शन डी डिजाइन मार्केटिंग स्ट्रेटी एंड टैक्टिस टू री इन्फोर्स द फर्म्स इमेज तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन जो करेक्ट ऑप्शन था दैट इज ऑप्शन सी इवालुएट द मार्केट पोटेंशियल विद इन ईच सेगमेंट ये जो है करेक्ट ऑप्शन होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी बिफोर बिगनिंग मार्केट सेगमेंटेशन प्रोसेस ए फॉर्म शोट दिए क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किया हुआ है तो यहां पे क्या होगा सीधा ऑप्शन ए आइडेंटिफाई बेसिस फॉर सेगमेंटिक मार्केट यानी कि जब भी आप मार्केट सेगमेंटेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपका काम क्या है कि आप जो बेसिस है सेगमेंटेशन का उसको आइडेंटिफाई करिए क्वेश्चन नंबर ए ए डैश इज ग्राफिकल डिवाइस फॉर डिस्प्लेइंग क्लस्टर रिजल्ट वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट क्लस्टर दैट आर ज्वाइन टुगेदर द पोजीशन ऑफ द लाइन ऑन द स्केल इंडिकेट द डिस्टेंस एट विच क्लस्टर वेयर ज्वाइंट तो इसको क्या पे हो क्या होगा वो कौन सा ग्राफिकल डिवाइस है जो कि क्लस्टर रिजल्ट को शो करता है तो क्लस्टर नाम ही है इसमें तो यहां पे क्या हो जाएगा क्वेश्चन थर्टी वन है दैट इज डेंड्रोग्राम ऑप्शन डी कैट ऑप्शन डेंडोग्राम इज द्राफिकल डिवाइसिंग रिजल्ट तो डिस्क्रिमिट एनालिसिस होता है क्लस्टर एनालिस होता है रेग्रेशन एनालिसिस होता है फिर नन ऑफ दब कौन सा एनालिसिस होता है जो कि एक स्टेटिस्टिकल टूल है ऑब्जेक्टिव टू एस एस दी एडुकेसी ऑफ क्लासिफिकेशन यहाँ पे जो कैट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए डिस्क ट एनालिस ऑप्शन इज दैट ऑप्शन क्वेश्चन थर्टी थ्री दैट इज विच क्लस्टरिंग मैथड इज मोर रिलायबल कौन सा क्लस्टरिंग मेथड जो है वो मोर रिलायबल है तो ऑप्शन ए हेरारिकल क्लस्टरिंग ऑप्शन बी नॉन हेरारिकल क्लस्टरिंग ऑप्शन सी बोथ ऑफ दैब या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दैब तो थर्टी थ्री में दैट इज ऑप्शन बी नॉन हेरारिकल क्लस्टरिंग जो है मोस्ट रिलायबल है नेक्स्ट है द मेथड ऑफ एग्जामिनिंग डेटा दैट हैव बीन ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू द सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज इज नॉन एज तो आपको बताना है कि मेथड ऑफ एग्जामिन डेटा दैट हैज हैजिन ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू तो ऐसे मेथड का नाम बताइए जिसमें हम सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पर जो ग्रुपिंग करते हैं उसको हम एग्जामिन करते हैं कैटेगरी एनालिसिस ग्रुपिंग एनालिसिस क्लस्टर एनालिसिस और फिर ऑप्शन डी मार्केटिंग एनालिसिस तो थर्टी फोर में करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी क्लस्टर एनालिसिस क्लस्टर एनालिसिस में हम करते हैं कि हम जो है सिमिलरिटीज और डिसमिलरिटीज के बेसिस पे ग्रुपिंग करते हैं उसके बाद उसको एनालाइज करते हैं क्वेश्चन थर्टी फाइव पोजिशनिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोजेस्टिंग किस चीज का प्रोसेस है तो सभी को पता है कि पुटिंग द प्रोडक्ट इन द राइट प्लेस इन द कस्टमर्स माइंड यानी कि कस्टमर के प्रोस्पेक्टिव कस्टमर के माइंड में एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करना ही क्या कहलाता है पोजिशनिंग कहलाता है तो ऑप्शन डी इज द कैट ऑप्शन क्वेश्चन थर्टी सिक्स था कि इन इफेक्टिव टारगेट मार्केट मार्केटर्स शुड फोकस ऑन तो इफेक्टिव टारगेट मार्केट में मार्केटर को किस पे फोकस करना चाहिए मार्केट सेगमेंटेशन पे मार्केट टारगेटिंग पे मार्केट पोजिशनिंग है फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 36 सिक्स ऑल ऑफ द एबव आएगा उसको सेगमेंटेशन टारगेटिंग और पोजिशनिंग तीनों पे ही फोकस करना चाहिए अगर वो इफेक्टिव टारगेट मार्केट चाहता है 37 सेवन परसेप्चुअल मैप इज तो परसेप्चुअल मैप क्या होता है कंज्यूमर मैप ऑफ लाइक एंड डिसलाइक डेटा बेस पिरामिड डिजाइन या फिर टू डायमेंशनल ग्राफ तो परसेप्चुअल मैप इज ऑप्शन डी टू डायमेंशनल ग्राफ नेक्स्ट क्वेश्चन है द परसेप्चुअल पोजिशन मैप सो कंज्यूमर परसेप्शन ऑफ देयर ब्रांड वर्सेज कंपीटिंग प्रोडक्ट्स ऑन इंपॉर्टेंट बाइंग डायमेंशन ट्रू है फॉल्स है पार्शियल ट्रू है फिर नॉन ऑफ द वे तो यहाँ पे जो थर्टी एट क्वेश्चन है दैट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है क्वेश्चन थर्टी नाइन मार्केटिंग एनालिटिक्स इज द प्रैक्टिस ऑफ मेजरिंग मैनेजिंग एंड एनालाइजिंग मार्केटिंग परफॉर्मेंस टू मैक्सिमाइज इट्स इफेक्टिवनेस एंड ऑप्टिमाइज तो किस चीज को ऑप्टिमाइज करना है प्रॉफिटेबिलिटी को बिजनेस परफॉर्मेंस को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को या फिर नन ऑफ द वैब तो मार्केटिंग एनालिस की बात हो रही है तो है, मार्केटिंग एनालिस क्या है वो प्रैक्टिस है मेजरिंग मैनेजिंग एनालाइजिंग मार्केटिंग परफॉर्मेंस टू मैक्सिमाइज इफेक्टिवनेस एंड ऑप्टिमाइज तो कैट ऑप्शन क्या हो जाएगा थर्टी नाइन में ऑप्टिमाइज रिटन ऑन इन्वेस्टमेंट दैट इज ऑप्शन सी

impactful messaging and relevant communication to leads.

है कि कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू को हम कैसे देख सकते हैं तो क्वेश्चन फोर्टी फाइव में पहला ही ऑप्शन है ऑप्शन ए जो है है करेक्ट ऑप्शन नेट प्रॉफिट फ्रॉम डूइंग बिजनेस कस्टमर ड्यूरिंग द टाइम दैट द कस्टमर कंटिन्यू टू बाई फ्रॉम यू ये जो है करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर में द लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ ए कस्टमर कैन बी व्यूड एज नेट प्रॉफिट डिराइव फ्रॉम डूइंग द बिजनेस विद कस्टमर ड्यूरिंग द टाइम दैट कस्टमर कंटिन्यू टू बाई फ्रॉम यू क्वेश्चन फोर्टी सिक्स वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू किसके बराबर होता है बेनिफिट माइनस प्राइस प्राइस माइनस बेनिफिट प्राइस माइनस रेवेन्यू रेवन्यूफ ऑप्शन डी न तो क्वेश्चन फोर्टी सिक्स में ऑप्शन ए बेनिफिट माइनस प्राइस दैट इज वैल्यू क्वेश्चन फोर्टी सेवन इन कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू टेम्पोरल एस्पेक्ट ऑफ नीड फोकस ऑन तो जो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू तो उसमें टेम्पोरल एस्पेक्ट जो है वो टेम्पोरल एसपेक्ट ऑफ नीट किस पे फोकस करता है एजेंसी पे फ्रीक्वेंसी पे ड्यूरेशन ऑफ द नीट पर फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी सेवन में ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी इन कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू टेम्पोर एसपेक्ट ऑफ नीट फोकस ऑन फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन फोर्टी एट क्वेश्चन है डैश जनरी रिफर्स टू यूज कॉम्प्रेसिव फैक्टर बेसिस फॉर डिसीज मेक यहाँ पर कॉम्प्रेसिव फैक्टर मेकिंग का बेसिस आते हैं आई विल सी दी आइडेंटिफाई बिग पिक्चर एंड ऑल इट कम्पोनेंट यानी कि बिग पिक्चर के कम्पोनेंस हम जो है आइडेंटिफाई करेंगे दिस कंपोनेट विल यूजली बी ड्राइविंग फोर्स फॉर द एंड गोल और उसी कंपोनेंट के बेसिस पे हम क्या करें

क्वेश्चन है, नीचे ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा वो जिससे हम कस्टमर वैल्यू को मेजर कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव मेजर मेजर डी ऑल ऑफ तो क्वेश्चन फिफ्टी में क्या है, ऑल ऑफ ऑब्जेक्टिव परसेप्चुअल तीनों से ही हम कस्टमर वैल्यू को मेजर कर सकते हैं क्वेश्चन फिफ्टी वन था कि व्हाट इज आरएफएम मॉडलिंग तो आरएफएम मॉडलिंग का मतलब क्या होता है तो आरएफएम का मतलब होता है रिसेंसी फ्रीक्वेंसी एंड मॉनिटरी वैल्यू ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन रिसेंसी फ्रीक्वेंसी एंड मॉनिट्री वैल्यू फिफ्टी टू हैरिटी बेस्ड मेथड एंड एट्रीब्यूट बेस्ड मेथड आर द टाइप ऑफ तो सिमिलैरिटी बेस्ड मेथड और एट्रीब्यूट बेस्ड मेथड किस चीज के टाइप है प्रेफरेंस मैप जॉइंट स्पेस मैप परसेप्चुअल मैप या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द वब तो क्वेश्चन 52 में है करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन सी परसेप्चुअल मैप परसेप्चुअल मैप के ये जो है दो टाइप हैं सिमिलरिटी बेस्ड मेथड और एट्रीब्यूट बेस्ड मेथड क्वेश्चन 53 थ्री आइडियल पॉइंट मॉडल एंड वैक्टर मॉडल आर द टाइप ऑफ तो आइडियल पॉइंट मॉडल और वैक्टर मॉडल ये किसके टाइप हैं तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए प्रेफ्रेंस मैप ऑप्शन ए प्रीफ्रेंस मैप आइडियल पॉइंट मॉडल और वैक्टर मॉडल ये प्रेफरेंस मैप के टाइप हैं क्वेश्चन फिफ्टी फोर प्रोडक्ट स्पेस मैप आर ऑल्सो एज तो प्रोडक्ट स्पेस मैप को हम किस नाम से जानते हैं तो करेक्ट ऑप्शन है दैट बोथ परसेप्शन एंड प्रिफरेंस इन टू मैप तो, the, तो और प्रिफरेंस दोनों को सेम मैप में रखता है किस में कॉन्ट मैप ज्वाइंट स्पेस मैप्वाइस स्पेस ऑप्शन डी नॉन ऑफ द मैप्टी फाइव में करेक्ट ऑप्शन है ज्वाइंट स्पेस मैप ज्वाइंट स्पेस मैप में प्रीफरेंस दोनों ही आते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स है वैन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज डाइकोटोमस एंड मल्टीकोटोमस एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर मैट्रिक आई इंटरवल और रेशियो द स्टेटिस्टिकल टेक्निक इज नॉन एज तो कौन से स्टेटिस्टिकल टेक्निक में मल जो डिपेंडेंट वेरिएबल हो डाइकोटोमस है मट्टीकोटोमस होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है मेट्रिक होता है यानी कि इंटरवल या रेशियो होता है कॉन्जॉइंट में रिग्रेशन में डिस्क्रिमिनेट में या फिर ऑप्शन डी नाम है तो फिफ्टी सिक्स में कट ऑप्शन है ऑप्शन सी डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस डिस्क्रिपिनेंट एनालिसिस में ये चीज़ होती है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन इन डिस्क्रमिनेंट एनालिसिस इट्स सर्व एज ए यार्ड स्टिक इन मेजरिंग द एक्सी ऑफ मॉडल इन क्लासिफाइंग एन इंडिविजुअल और केस इन टू वन ऑफ द टू ग्रुप इट इज ऑल्सो नॉन एज तो डिस्क्रिमेंट एनालिसिस को आप किस नाम से जानते क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स मैट्रिक्स को हम ऑल ऑफ क्लासिफिकेशन असाइनमेंट और प्रिडिक्शन मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मॉडल एंड इट्स वैल्यू शोज हाउ मच परसेंट ऑफ वेरबिलिटी इन द डिपेंडेंट वेरेबल इज नॉट एक्सप्लेन बाय द आपको बतानेटी पैरसोमोनी या फिर असेसबिलटी या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अब तो यहाँ पे जो कहते ऑप्शन है फिफ्टी नाइन में दैट इज ऑल ऑफ द अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी इन सेगमेंटेशन एज इनकम यूज ऑफ मीडिया इज नॉन एज सेगमेंटेशन बेसिस सेगमेंटेशन डिस्क्रिप्टर सेगमेंटेशन अप्रोचे या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अब तो क्वेश्चन सिक्सटी है सेगमेंटेशन बेसिस एज इनकम यूज ऑफ मीडिया क्या है ये सेगमेंटेशन के बेसिस हैं वॉट इज कार्ट सी ए आर टी कार्ट क्या होता है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन तो दैट इज क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन टेक्निक तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा क्लासिफिकेशन एंड रेगुलेशन टेक्निक कार्ड का ऑप्शन बेस दी करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन सिक्सटी टू है हेरिकल एंड पार्शनिंग मेथड आर द टाइप ऑफ हेरारिकल और पाशनिंग मेथड किसके टाइप है तो यहाँ पे जो है ये क्लस्टर एनालिसिस का टाइप होता हैरारिकल और पार्शनिंग क्या है क्लस्टर टाइप का क्लस्टर एनालिसिस का टाइप होता है करेक्ट ऑप्शन क्या uh, जाएगा ऑप्शन डी नन ऑफ द एबअब क्वेश्चन सिक्सटी थ्री है इट डिस्कवर को रिलेशन अमाउंट आइटम विद इन विद इन ट्रांजेक्शन तो ट्रांजेक्शन जो होते हैं उसके आइटम के बीच में को रिलेशन डिस्कवर करता है कौन मार्केट बास्केट एनालिसिस कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंसमला या फिर ऑप्शन डी सपोर्ट फॉर्मला तो सिक्सटी थ्री में करेक्ट ऑप्शन है मार्केट बास्केट एनालिसिस ये क्या करता है को रिलेशन डेवलप करता है ट्रांजेक्शन के बीच में डिफरेंट आइटम जो परचेज करते हैं मार्केट बास्केट एनालिसिस प्राइमरली द टेक्निक ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ट्रू है फॉल्स है या फिर पास ट्रू है तो क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट ट्रू है मार्केट बास्केट एनालिसिस जो है वो टेक्निक ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज करता है क्वेश्चन कंडीनल प्रोबेलिटी लुकिंग फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ आइटम परचेज टुगेदर इज कॉल्ड वॉट तो लुकिंग फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ आइटम परचेज टूगेदर बहुत सारे आइटम जो है एक साथ परचेज किए जाते हैं उनके कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं हम मार्केट बास्केट एनालिसिस ऑप्शन बी

बी कॉमर्सियल कुरियर सर्विस इसके द्वारा जो है रिपोर्ट डिलीवर नहीं किया जाता है क्वेश्चन सिक्सटी सेवन डैश रूल माइनिंग इज यूज इन मार्केट बास्केट एनालिसिस तो कौन सा रूल माइनिंग है जो कि मार्केट बास्केट एनालिसिस में यूज किया जाता है तो यहाँ पे जो कट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर सेवन दैट इज एसोसिएशन रूल माइनिंग ऑप्शन ए इज द कैट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट ए डैश देर फोर इज सिंपली ए लिफ्ट इन्वॉल्विंग टू प्रोडक्ट एंड कैन इजली बी कंप्यूटेड इन एक्सेल तो आपको बताना नहीं कि नीचे दिखाई ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो कि सिंपली ए लिफ्ट इन्वॉल्विंग टू प्रोडक्ट उसमें दो प्रोडक्ट इन्वॉल्व होते हैं और उसको हम एक्सेल पर कंप्यूट कर सकते हैं तो क्वेश्चन

सेल करते हैं तो से ए का सेल भी जो है बढ़ता है तो ये कौन सी कंडीशन ट्रू होगी इसके लिए तो यहां पे जो ऑप्शन करवल टू ग्रेटर देन बी इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस ए एंड बी डिवाइडेड बाई ट्रांजेक्शन बी तो ये जो है करेट ऑप्शन एक्जैक्टली हमें कहीं मिला नहीं लेकिन ये हमने जो पढ़ा उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी जो है वो करट ऑप्शन होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेंटी वन डैस इज़ यूज वैन यू वॉन्ट टू फाइंड एन एसोशिएशन बिटवीन डिफेंट ऑब्जेक्ट इन ए सेट फाइंड फ्रिकुवेंट पैटर्न इन ए ट्रांजेक्शन डेटा बेस रिलेशनल डेटा बेस और एनी अदर इन्फॉर्मेशन रिपोजिट्री तो डी जी डी ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो कि यूज़ किया जाता है जब आप जो है किसी असोशिएशन बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बेस में फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं फ्रिक्वेंट पैटर्न जो है ट्रांजेक्शन डेटा बेस को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो सेवेंटी वन में देट इज़ एसोशिएशन रूल माइनिंग मार्केट बास्केट एनालिसिस का जो है एसोसिएशन रूल माइनिंग वो टेक्निक यहाँ पर यूज़ किया जाता है सेवेंटी टू है पेड सर्च मार्केटिंग यानी गूगल एडवर्ड्स ज यूजली परेस्ड ऑन विच बेसिस तो जो पेड सर्च मार्केटिंग होता है उसको हम किस बेसिस पे परचेज करते हैं पेपर क्लिक अर्निंग क्लिक कॉस्ट पर एक्विजीशन या फिर कॉस्ट पर थाउजेंड तो सेवेंटी टू में करेट ऑप्शन है दैट इज पीपीसी यानी पेपर क्लिक यहां पे देखिए जो शॉर्ट फॉर्म है ये या आपको याद होना चाहिए पीपीसी ईपीसी सीपीए सी पी एम ये कोई भी फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है तो फिलहाल यहां पर जो क्वेश्चन है पेड सर्च मार्केटिंग इज यूजली परचेज ऑन द बेसिस ऑफ पेर क्लिक सेवेंटी थ्री क्वेश्चन नंबर है व्हाट फॉर्म ऑफ मार्केटिंग इज पर्टिकुलरली सूटेड फॉर टू जनरेटिंग अवेयरनेस अबाउट ए ब्रांड और प्रमोशन तो नीचे देखिएगा ऑप्शन में से बताना कि कौन सा मार्केटिंग फॉर्म है जिसका यूज किया जा सकता है टू जनरेट अवेयरनेस अबाउट ए ब्रांड और प्रमोशन किसी प्रोडक्ट ब्रांड के बारे में या प्रमोट करना है उसको अवेयरनेस फैलाना है तो कौन सा यूज किया जाएगा ई मार्केटिंग वायरल मार्केटिंग एफलेट मार्केटिंग या परमिशन मार्केटिंग तो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी में है वायरल मार्केटिंग वायरल मार्केटिंग क्या है किसी प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस जे, जनरेट करना या फिर ब्रांड प्रमोट करना है तो उसको आप जो है वायरल मार्केटिंग का यूज कर सकते हैं सेवेंटी है द ऑनलाइन कम्युनिकेशन टेक्निक ऑफ सर्च इंजन ऑप्टोमाइजेशन एस सी ओ इज एम्ड एट अचीविंग गेनिंग तो ऑनलाइन कम्युनिकेशन टेक्निक सर्च इंजन ऑप्टोमाइजेशन जो होता है एस ई ओ उसका मेन एम क्या होता है तो देखिए एक तो आपका यहीं पर एमसी क्यू मान सकते हैं एस सी ओ का फुल फॉर्म कहते हो सर्च इंजन ऑप्टोमाइजेशन अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा कि एस ई का एम क्या होता है तो क्वेश्चन सेवेंटी फोर में हम सीधे ऑप्शन चाहिए दट इज ए गुड रैकिंग इन द ऑर्गेनिक और नैचुरल लिस्टिंग ऑफ सर्च इंजन तो ऑप्शन ए इज द करेट ऑप्शन तो एस सी ओ का जो मेन एम होता है कि हम जब ऑर्गेनिक सर्च होता है या लिस्टिंग list, होती है सर्च इंजन में तो उसमें हमारा एक अच्छा रैंकिंग आए तो ऑप्शन इज इज द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन 75 है व्हाट पेड पेड इन सर्च एडवर्टाइजिंग गूगल एडवर्ट्स रिफर्स टू वन ऑफ द मेन एलिमेंट ऑफ क्वालिटी स्कोर व्हिच इंपैक्ट द पोजीशन द एड इज डिस्प्लेड तो ऑप्शन ए मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक क्वालिटी स्कोर कंटेंट नेटवर्क या फिर क्लिक थ्रू रेट तो 75 में देखिए ऑप्शन है ऑप्शन सी टी आर क्लिक थ्रू रेट होता है देखिए ये क्या होता है पेड सर्च एडवर्टाइजिंग होता है जैसे कि गूगल एडवर्ड जो कि रिफर करता है कि वन ऑफ द मेन एलिमेंट ऑफ क्वालिटी स्कोर विच इंपैक्ट द पोजीशन ऑफ द एड इज नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर व्हाट कॉन्सेप्ट इन पेड सर्च एडवर्टाइजिंग गूगल एडवर्ड रिफर टू द अमाउंट बिड बाय द एडवर्टाइजर यानी कि जो अमाउंट एडवर्टाइजर द्वारा बिड किया जाता है उस अमाउंट को क्या कहते हैं सेवेंटी सिक्स में तो दैट इज मैक्सिमम सी पी सी यानी मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक कहा जाता है उसको नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन कुकीज़ आर यूज इन डिजिटल एडवर्टाइजिंग फॉर तो कुकीज जो है डिजिटल एडवर्टाइजिंग में किस क्यों यूज किया जाता है तो एफलेट मार्केटिंग के लिए री मार्केटिंग या बिहेवियर टारगेटिंग के लिए मॉडलिंग या एट्रीब्यूशन ऑफ रेफरेंस के लिए या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबअब यहां पर जो सेवेंटी सेवन है करेट ऑप्शन ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एब सभी के लिए कुकीज़ यूज किया जाता है सेवेंटी एट में एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडिया गुड्स और सर्विस बाई एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर स्कॉल सभी को डिफीशन पता होना चाहिए दैट इज एडवर्टाइजिंग ऑप्शन सी इज दैट ऑप्शन सेवेंटी नाइन विच वन इज द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन एडवर्टाइजिंग रिसर्च तो कौन सा नीचे दी ऑप्शन में से जो कि एडवर्टाइजिंग रिसर्च में यूज नहीं होता है कॉपी टेस्टिंग प्री टेस्टिंग पोस्ट टेस्टिंग ऑफ वोटिंग इंटेंशन तो देखिए कॉपी टेस्टिंग प्री टेस्टिंग पोस्ट टेस्टिंग ये तीनों ही एडवर्टाइजिंग इस रिसर्च में यूज होते हैं लेकिन वोटिंग इंटेंशन ये जो है यूज नहीं होता तो सेवेंटी नाइन में ऑप्शन डी हो जाएगा और लास्ट क्वेश्चन दैट इज ए टी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेंजर स्पेसिफिकली रेलिवेंट विथ रिपोर्टिंग प्री टेस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग रिसर्च तो आपको नीचे में से बताना कि कौन सा नीचे दिए ऑप्शन में से डेंजर है और स्पेसिफिकली जब हम प्री टेस्ट की रिपोर्टिंग करते हैं एडवर्टाइजिंग रिसर्च में तो क्वेश्चन नंबर 80 जो है डेट इज डेडलाइंस आर टाइट ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑप्शन तो याद रहे कि क्वेश्चन 70 और 47 में ये जो है एग्जैक्टली exactly हमें आंसर नहीं मिला था हमने इसको अपने बेसिस पे जो सर्च किया उसके बेसिस पे वो कंक्लूजन निकाला कि वो आंसर होना चाहिए विश यू ऑल द बेस्ट कीप